शादी आज कैसी घर जी की हो रही है, क्या तैयारियाँ की आप लोगों ने? हम लोगों ने चंदा लिया सबसे, हम लोग हर साल करते हैं। अच्छा, मज़ा आता है? हाँ, बहुत मज़ा आता है। पूरी शादी की रस्में होती है? जी हाँ। नाम बता दीजिए। नेहा शर्मा। नेहा जी, यहाँ कैसी घर जी की शादी हो रही है जी? क्या आज के दिन होती, क्या प्रथा है ये? आज के दिन ये प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है, बहुत प्रचलित प्रथा है, हमारे पुराने रीति रिवाजों से आई है और छोटे बच्चे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी हुई देन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रथा के बाद बहुत ज़्यादा तो नॉलेज इस बारे में नहीं है, लेकिन जितना हमें पता है वो ये है कि इस प्रथा के बाद झेंजी और टेसू, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, झेंजी टेसू की शादी के बाद से शादियों का प्रचलन शुरू होता है हिंदू समाज में। ऐसा माना जाता है जो है शादियों का प्रचलन शुरू किया। इससे पहले की एक पुरानी प्रथा है कि सांझी उत्सव बरसाने की रानी श्री राधा रानी ने शुरू की। उद्देश्य था कि भगवान श्री कृष्ण का स्नेह हमें प्राप्त हो। तो कालांतर में महाभारत काल में आगे चलकर ये घटोत्कच से जुड़ा। बाद में इस प्रथा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है भोज वंश के राजा आला ऊदल के, जो बुंदेलखंड में शासन करते थे। उन्होंने इस प्रथा को एक सामाजिक रूप दिया, तब से समाज में यह प्रथा आरंभ हुई। इसका मूल उद्देश्य है कुंवारी कन्याएं उनके लिए सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। सांझी मूलतः एक कुल देवी है और उस कुल देवी की पूजा करने के बाद में कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति की कामना से यह उत्सव त्यौहार मनाती हैं। इसमें व्रत नहीं होता, खान पान से जुड़ा हुआ, उल्लास और आनंद से जुड़ा हुआ ये महोत्सव है जो कन्याओं के द्वारा रचाया गया है। चूँकि सुयोग्य वर की प्राप्ति से जुड़ा है तो इसका सांझी और टेसू से परस्पर विवाह करने की एक लोक परंपरा आरंभ हो गई। एक ज़माना था जब ये पूरे शहर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन आज ये केवल गाँव तक ही सीमित रह गया है। अब तो गाँव में भी सिकुड़ने लगा है, क्योंकि गाँव में आधुनिकतावादी हो गए हैं। शहरों में घर में सभी बहन बेटियां मिलजुल कर गोबर से सांझी बनाती थी दीवाल पर, और दीवाल पर ही एक बहुत बड़े आकार का टेसू राजा प्रतीकात्मक, जो सांझी का पति है, उसका अस्तित्व नहीं है कोई, लेकिन सांझी के प्रतीकात्मक पति का रूप टेसू का रूप बनाकर यह उत्सव मनाया जाता है। अब भौतिकतावादी दौर में पुरातन परंपराएँ धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं इंटरनेट मोबाइल के टीवी के युग में, लेकिन कहीं कहीं ये प्रथा आज भी उपलब्ध है।